नॉर्दर्न साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतल्लिक पाकिस्तान ने रूस की आईजीआई में तरमीम के प्रोटोकॉल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और रूस के माबैन इंटरा गवर्नमेंट एग्रीमेंट में तरमीम के प्रोटोकॉल की मंजूरी दे दी गई। शीर ब्राई पेट्रोलियम नदीम बाबर ने बिजनेस रिकॉर्ड को बताया कि पाकिस्तान ने रूस और शुमाली जनूब में गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतल्लिक रूस के माबैन सरकारी मुआहदे में तरमीम के प्रोटोकॉल की मंजूरी दे दी है। बताया गया कि वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने पेट्रोलियम डिवीजन को काबीना के सामने इस मामले को रखने के हवाले से एक तरकीब दी, क्योंकि उनके बकौल तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल की जरूरत है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने काबीना को बताया कि नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के मंसूबे से प्रोटोकॉल की मंजूरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान और रूसी फेडरेशन के माबैन हुकूमत के इस बैरून सरकारी मुआहदे में तरमीम के बारे में एक समरी पेश की गई। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत 28 वफाकी वज़रा में से राय का हासिल करना ज़रूरी है और इसके बाद इसको वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। काबीना के 15 मेंबरान ने पेट्रोलियम डिवीजन की तजवीज़ की तौसीक की, जबकि मुकर्रर वक्त के अंदर दीगर 12 मेंबरान के जवाबात मौसूल नहीं हुए। जबकि वज़ीर मंसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल की ज़रूरत है और इसके लिए बेहतर यह है कि इसको कमेटी के ज़रिए से काबीना में पेश किया जाए। बाद समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म के सामने पेश की गई और वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि यह मामला काबीना के सामने मुफसल तौर पर रखा जाए और इस पर बहस की जाए। और इसी के मुताबिक काबीना डिवीजन ने हुकूमत पाकिस्तान और दीगर हुकूमतों के मबैन बैन सरकारी मुआहदे में तरमीम पर प्रोटोकॉल की मंजूरी दे दी गई है। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की मंजूरी के बारे में पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से पेश करदा समरी पर वफाकी काबीना का फैसला मांगा गया था।